देख लो गाइस, बड़ी दूर हो तो भाई टोर्नेडो आया हुआ है आज, टैडी नाम का टैडी नेडो आया। बड़ी दूर हो जाओ, तेरे को उड़ा के ले जाएगा। टैडी टैडी क्या हो गया? कर ले ओके कर ले, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। टैडी कर ले डैडी, तू नहीं होता तो हमारी लाइफ इतनी बोर हो गई होती है। डैडी कर ले ओके गो। मैं लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा खा रहा हूँ दही के साथ। आप कहोगे क्या वियर्ड कॉम्बिनेशन में खाता है बंदा, बट दही एंड आखिरी स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा एक ही बचा था। तो ये मेरा आज का लंच गाइस। यूजली मैं वीकडे पे ऐसी चीज़ नहीं खाता हूँ, बट अब बचा हुआ था तो खा लेता हूँ यार। और एक स्लाइस है तो दैट्स गुड, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं खाना पड़ेगा मुझे। और दही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अनहेल्दी जंक चीज़ खा रहे हो तो अच्छी भी होनी चाहिए साथ साथ। मेरा भी कल दिखा रहे थे ना कि मैं चिकन खा रही हूं, मैं बेचारा खिचड़ी खा रहा था। शिल्पा खा रही है कड़ी चावल, क्योंकि वो बेचारा वो खा रहा है ना क्या पिज्जा, तो मैं चावल और कड़ी खा रहा हूं सामने। मैं पुरानी चीज खा रहा हूँ, तुम फ्रेश खा रही हो। नहीं इज नॉट इम्पोर्टेंट। तुम ब्रोकली भी खा रही हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो आप वो खा रहे हो, पर मेरे तो कड़ी है। कड़ी के साथ तुम कुछ और नहीं खाओगे। बट हमारा ना बर्ड फूड खत्म हो गया। हमने जो लाए थे ना बहुत सारा, छोटे छोटे बैग लाए थे, 2 स्मॉल बर्ड्स के, लार्ज बर्ड्स के। अभी सोच रहा हूँ बड़ा बैग ले आऊँ, क्योंकि हमें पता लग गया है कौन सी बर्ड्स आती हैं हमारे एरिया में, कौन सा फूड खाती है। सोच रहे हैं कि लार्ज बर्ड्स का ले आएंगे। लार्ज सीड्स होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि लार्ज बर्ड थोड़ी ज़्यादा है हमारे एरिया में, छोटी भी है। तो बड़ा बैग भी लेने जाऊँगा आज वॉलमार्ट। गाइस पिज़्ज़ा का ग्रीस वाला डब्बा भी आप रीसाइकिल में डाल सकते हो बिंदास। ग्रीस वाला डब्बा जिसपे पिज़्ज़ा की ऐसे ये बनी लगे आ जाती है, ये भी रीसाइकिल हो जाता है। ये मैंने भी रिसेंटली सीखा, मैं आपको बता दूं। ये देखो गया रिसाइकिल के अंदर। इनफैक्ट पिज़्ज़ा हट के डब्बे पे लिखा था साफ कि आप ग्रीस वाला डब्बा भी रिसाइकिल बॉक्स में डाल सकते हो, रिसाइकिल बिन में, वो भी रिसाइकिल हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगा सुन के, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भाई इस बॉक्स पे, इस डब्बे पे, जैसे फूड के डब्बे होते हैं उस पर फूड लगा हुआ है तो रिसाइकिल नहीं होता होगा। नहीं, वो रिसाइकिल हो जाता है। तो मैंने अभी उसको डाल के आया हूँ रिसाइकिल बॉक्स में। गाइस हम लोग बडी डैडी एंड शिल्पा, हम सब लोग आए। इन दिनों का फूड लेने जा रहे हैं। इनका फूड खत्म हो रहा था मार्केट से, मैं कहा चलो सब लोग चलते हैं। देखो कितना खुश है, ऐसा लग रहा है जैसे जान में जान आ गई बडी की। बडी देखे वो नहीं मेरी तरफ, डैडी डॉगीज। गाइस देखना हादसा हो गया मेरे साथ, ट्रेजेडी हो गई। हाँ ये सारे मैं ना अपने लिए लेके आई थी अनार, और इवन आपको आलमंड्स भी दिख रहे हैं ना। हाँ मैं क्योंकि इसमें सब कुछ लेके आई थी, और हुआ क्या कि एक कार एकदम से उसने स्टॉप किया, हमें भी जोर से रुकना पड़ा और सब गिर गया। तो गाइस एकदम से उसने स्टॉप किया और हमें भी एकदम से स्टॉप करना पड़ा, और मेरे लैप पे पड़ा तो और गिर गया। तो हाँ ऐसे पड़ा था, ऐसे गिर गया कैसे रचित। अच्छा तो बड़ी भी आया गाइस, काय बड़ी बड़ू। तो अब लग रही है भूख, क्योंकि मैं तो अपना खाना लेके आई थी साथ में। तो वहाँ से ट्रीट्स ले लेना, तुम भी खा लेना। कहाँ से? बड़ी अपना खाना लेके जा रहे तो पेटको से। मैं सोच रही हूँ मैं भी क्या ले लूँ अपने लिए। तुम ले लो चिकन बिस्किट खा लेना तुम। अच्छा सही है, मैकडॉनल्ड्स चलो सीधा अभी। क्या खाएंगे? चिकन नगेट्स, चिकन बिस्किट खाएंगे, चिकन नगेट्स। यहाँ से लेंगे बड़ी डैडी का फूड। पेटको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी, बस पिकअप करना है। बडी डैडी का फूड आ गया है। गाइस बहुत टाइम से ना अपने फ्रिज का हमने फ़िल्टर चेंज नहीं किया था, क्योंकि फ्रिज का फ़िल्टर ना यूज़ नहीं होता, सिर्फ बर्फ़ के लिए यूज़ होता है। पानी तो हम आरओ का पीते हैं जो कि सिंक में है, तो बर्फ़ के लिए यूज़ होता था। तो हमने अब फाइनली जाके नया फ़िल्टर ले आया हूँ मैं चेंज करने के लिए। डैडी फ़िल्टर है भाई, क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसको खोलते हैं, लगाते हैं अंदर। कहते हैं नया फ़िल्टर 6 महीने तक चल जाता है, तो ऑब्वियसली बिकॉज हम पानी फिल्टर का नहीं पीते हैं, हम सिर्फ बर्फ़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आई थिंक अभी कर देता हूँ मैं चेंज। वो खोलना था पक्का। हाँ। वैक्यूम सी हो जाएगी, वेरी इजी। ये थोड़ा टाइट होता है, 2 बार लगेगा। नहीं बना आवाज आई ना फिर से, पानी भी चला दिया, आवाज आई जल्दी। थोड़ा सा ड्रेन कर देता हूँ ताकि शुरू शुरू का गंदा पानी निकल जाएगा। क्या हो रहा है? होता है ना प्रेशर, नया फिल्टर है तो एयर गैप तो होता है ना, थोड़ा सा फट तो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, इसको रीसेट करना ना भूलें वरना ये बचता रहेगा कि आपका फिल्टर खराब है। हो गया रीसेट। गाइस रिमेंबर जो तोरी लाए थे हम लोग इंडियन स्टोर से, लाइनों वाली, कितनी बढ़िया बनी है ना, अच्छी बनती है, वैसी बनती है। पर हाँ एक कमेंट आया था, बिल्कुल सही है, वो कह रहे थे कि ये वाली तोरी है ना बनने के बाद थोड़ी कम हो जाती है। इज इट ट्रू? है ना, कितनी सारी थी, दो इतनी बड़ी-बड़ी, हाँ तो इतनी सी बनी है बस। तो ये वाली तोरी का फीचर है बट स्टिल टेस्ट वैसे ही है, टेस्ट अच्छा होता है तो अच्छी लगती है मुझे, सही भी लगता है टेस्ट में मुझे। बदी क्या हो, बदी को कभी लेके ही नहीं जाते, बदी को कार में। हां मुझे तो याद ही नहीं रहा बड्डी कब गया था कार में, कब गया था बड्डी, कह रहे दो, वो मेरे दिमाग में आके कह रहे 2 महीने हो गए कार में गए। और वो पिज्जा लेने कौन गया था? पिज्जा लेने बड्डी गया ही नहीं, हमें तो याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। और फूड लेने कौन गया था? फूड कार में, आई थिंक तुम बड्डी को घर पे छोड़ गई थी, टैडी गया था सिर्फ। हाँ टैडी गया था, तुम बड्डी को लेके नहीं गया कार में। बड्डी बड्डी अभी नहीं जा रहा कार में, सुन तो सही, बड्डी कार में कब गया था तू? इतने को याद है, मैं तो याद ही नहीं आ रहा कार में कब गया था। चल फिर से चलते हैं, हाँ चल लेट्स गो। वो है घुमक्कड़, इतना घुमक्कड़ है ये, कितना भी घुमा दो कार में, इतना भी, और ये तो इसके पीछे पीछे चला जाता है। कितना बड़ी कार में जा रहा है। चलो रजत, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लाइक विदिन 2 सेकंड्स देना है। अच्छा ज्यादा नहीं सोचना, फटाक से जो आपके दिमाग में आएगा। अच्छा ठीक है। नेम अ वुमेन्स नेम। शिल्पा। ठीक है बच गए, क्योंकि लोगों के यही आ रहे वीडियोस में कि भाई वुमेन का नाम बताओ, वो पता नहीं रैंडम कोई भी लड़की का नाम ले लेते हैं। हाँ बच गए रजत, बच गए। क्योंकि एकदम से क्विकली आंसर देना है तो फिर नो शुगर है, बच गए बेटे। मम्मी का भी नाम दिया, फिर सही है, फिर सही है, बच गए। ओहो मेरी वीडियो खराब कर दी रजत। हाँ दिस इज व्हाट हैपेंस अगर आप साइंस वाले बंदे से बात कर रहे हो। अच्छा मुझे तो था कि कोई और पता नहीं लड़की का नाम लेंगे, फिर मैं पूछूंगी कौन सी है लड़की, कौन है। हाँ ये इसका नाम कैसे आ गया दिमाग में? तो नहीं सही में शिल्पा सोचा था या फिर बस वीडियो के लिए 2 सेकंड में आंसर दिया। हाँ कुछ भी सोचा मैंने, 2 सेकंड में आंसर दिया। सही बात है, चलो ठीक है, पास कर रहे हो। चलो कोई नहीं। रशद पीछे पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, बनाना की दुकान। इसकी स्टोरी तो तुम्हें क्या लगा, क्या मैं कोई मोनिका वोनिका बोलने वाला था? मुझे ये था कि किसी और लड़की का नाम आ गया, फिर तो पूछूंगी मोनिका नहीं, शिल्पा माय डार्लिंग। खुश गाइस हमने बनाना की फैक्ट्री लगाई है, प्लीज़ आएँ हमसे बनाना खरीदें, हम बहुत ही सेल में बनाना देंगे आपको। तो जोक्स अपार्ट, तो क्या चल रहा है, आज सर्दियाँ हो गई है, सर्दियों में ना बहुत कम पकते हैं बनाना, बहुत धीरे पकते हैं। तो देखो ये आपको दिख रहे हैं येलो येलो, दीज आर कच्चे बनाना, ये पकने लगे हैं, ये बीच में है। तो ये रेडी हो जाएंगे, फिर ये रेडी होंगे, फिर ये रेडी होंगे। और इतने सारे क्यों? क्योंकि एक मैं खाता हूँ, एक शिल्पा खाती है, तो भी क्या ये 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद 4 दिन में, और तब तक ये पक जाएंगे। तो बहुत सारे बनाना हो गए हैं, बट आप बिल्कुल ना सोचें ऐसा कि हमने फैक्ट्री लगाई है। गाइस एक बात बताऊँ, ये मखानों का पैकेट लेके आई है शिल्पा, कितना 200 ग्राम का पैकेट है, $6 का है। गाइस इतना महंगा क्यों आता है मखाना? इंडिया में महंगा आता है, महंगे हैं। क्यों महंगे हैं, क्यों, क्या है इनमें ऐसा? फूल से बनते हैं ना, फूल से बनते हैं कि तुम मुझे फूल बना रही हो। देखो लोटस सीड्स हैं। ओह लोटस के, ओह शिट महंगे हैं ये। शिल्पा एक भी दाना खराब नहीं होना चाहिए। नो शिल्पा नो, वेरी बैड शिल्पा, तुमने 10 सेंट वेस्ट कर दिए। तो इसके वो सीड्स हैं इसलिए महंगे हैं। लोटस ना उगा लो घर पे। हाँ तो मखाना उगा लो ना घर पे। नहीं लोटस फूल उगा लेती हूँ। ये जरूर आएगा जब हम वीडियो बनाएंगे, इसने जरूर खेलना है, वही चूचू वाले टॉय से। गाइस बताना है मुझे, थोड़ा आइडिया नहीं है मखाने तो महंगे क्यों हैं। आई एम श्योर इंडिया में भी महंगे हैं, पर क्यों, लाइक ऐसा क्या है? मुझे पता है केसर महंगा है क्योंकि केसर इज बेसिकली पेटल होता है, पेटल नहीं क्या होता है, अंदर का जो सैफरन होता है ना, वो फ्लावर के अंदर का जो बड होता है वो होता है सैफरन। हाँ तो बहुत मुश्किल से उगता है, निकलता है, इसलिए केसर महंगा है। मखाना क्यों महंगा है मुझे बताना कमेंट्स में। और बाय द वे आज टैडी की वो पूरी हो गई 2 वीक्स, मतलब हम बैकयार्ड भी जा सकते हैं कल से। और कौन भी नहीं पहनना पड़ेगा डैडी को, वो वाला डैडी का फेवरेट कौन भी नहीं पहनना पड़ेगा। आप तो वैसे बना रहे थे, मैं तो कब से ठीक हो गया था। हाँ डैडी तो लाइक मैं तो हो गया था 2 दिन में ठीक। डैडी डैडी न्यूट्रल ठीक हो गया आई आपका ओके, 2 हफ्ते हो गए आपको। डैडी अब तो कौन की छुट्टी हो गई। गाइस मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया था कंफर्म करने के लिए, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ इसको कौन की जरूरत नहीं है। कौन पहनना है क्या? ले पहन ले, ले ले पहन पहन फिर हाँ ले पहन ना ले पहन। एक्चुअली इसको अब आदत पड़ गई है, 2 हफ्ते पहनता था ना रोज। नीचे नीचे डाउन 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 हो जाना भाई। अरे अबे खेल नहीं रहे भाई, नाखून काट रहे हैं। यहाँ नेल्स कट रहे हैं, बड़ी के कट गया तो उसका तो हो गया काम। अब इसको देखो कैसे कंट्रोल करना पड़ रहा है। ओह माय गॉड नेल्स नहीं कर रहे डाडा, प्ले नहीं कर रहे बाबू, नेल्स कट रहे हैं अभी। कट गए गाइस दोनों डॉग्स के नाखून काटे हैं। नाखून के साथ साथ नीचे बाल होते हैं ना पॉज के बीच में, वो भी काटने होते हैं। मेरे को काइंड ऑफ 1.25 घंटा लग जाता है दोनों करने में, और ऐसा फोकस करके करना पड़ता है क्योंकि गलती से इधर उधर ना क्विक ना कट जाए वरना ब्लड आ जाता है। तो इट्स अ टास्क और बिल्कुल पसंद नहीं है बड़ी और डैडी को, बिल्कुल पसंद नहीं है। डैडी तो आज बहुत नौटंकी करी है कटवाने में। उसके थोड़े सॉफ्ट नाखून है और जल्दी कट जाते हैं, बहुत ईजिली कट जाते हैं वैसे तो। बट हमारा डिनर टाइम हो गया है। ब्रोकली गर्म कर रही है शिल्पा, और एवोकाडो कर रही है। आपकी ब्रोकली जला दिया ना, और ऐसे मत करो तो मेरे साथ प्लीज़। मैं माइक्रोवेव करी थी, ऐसा हो जाता है, ऐसे जल्दी जल जाती है। पहली बार पता चला। तुम एक्सपेरिमेंट मुझ पर क्यों करती हो शिल्पा? ये नहीं खाती, दूसरे खाते हैं। मैं खा के देखता हूँ कैसी है। नहीं बर्न हो गई ना शायद, तो देख लूँ, चलो देखते हैं, इट्स ओके। बाकी एवोकाडो है साथ में। बाकी गाइस मखाने बन गए हैं, मखाने वो रोस्ट कर रही थी शिल्पा। कितना 200 ग्राम थे ना राइट? हाँ। 200 ग्राम $6 के, विच 500 रुपये के 200 ग्राम। आप बताना गाइस आपके यहाँ क्या प्राइस है और महंगी क्यों है, फिर से समझ जाना मुझे। पर एनीवे गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर ब्लॉग टुडे। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग तो स्पेशल होगा आपको पता ही क्यों। बाय गाइस।